आज का वीडियो थोड़ा यूनिक है। ऐसा इसलिए क्योंकि जितना इसे राइट विंग के लोग पसंद करेंगे उतना ही लेफ्ट विंग के लोग भी पसंद करेंगे, और इस वीडियो पर हेट भी आ सकती है वैसे, और वो भी दोनों साइड से बिल्कुल इक्वल अमाउंट में आने वाली है। इसमें लोग अपने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से नाम ऐड कर लेंगे और वो ऐड करके या तो खुश हो जाएंगे या तो नाराज हो जाएंगे। आजकल सोशल मीडिया पर एक ना बीमारी फैल रही है और उसी बीमारी के बारे में ये वीडियो है। ये बीमारी है स्क्वाड्स की बीमारी। आजकल सोशल मीडिया पर स्क्वाड और आर्मी वाले क्रिएटर बहुत दिखने लगे हैं। इस तरह के स्क्वाड में मोस्टली ऐसे लोग होते हैं जो एक ही तरह से सोचते हैं, बस एक ही आइडियोलॉजी को एकदम अंधा सपोर्ट करते हैं। इन स्क्वाड्स में लोग अपने एजेंडा को बढ़ाने के लिए साथ मिलके काम करने की कोशिश करते हैं। ये स्क्वाड पॉलिटिकल पार्टी, सेलिब्रिटी या किसी भी आइडियोलॉजी के फॉलोअर्स का हो सकता है। इन स्क्वाड्स के अंदर अक्सर लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इन सब जगह पर अपना अपना प्रोपेगेंडा फैलाते हुए दिख जाते हैं। सोशल मीडिया स्क्वाड एक डिजिटल आर्मी की तरह होते हैं। यहाँ पर लोग अपने अपने साइड का प्रचार करते हैं और पूरी दुनिया को बस ब्लैक एंड व्हाइट में ही देखना चाहते हैं। ये दूसरों को कितना भी ज़ॉम्बी बोल दें, असल में जो इनकी हरकतें हैं वो दूसरे साइड से ज्यादा अलग नहीं होती। इनका बस एक ही मोटो होता है, अपनी बात सही है और बाकी किसी को उसकी बात कहने तक का अधिकार नहीं है। इनका सिर्फ एक एम होता है कि भाई हमारी आइडियोलॉजी आगे बढ़े। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये सिर्फ अपने ही थॉट सुनना चाहते हैं, और जब सिर्फ अपने थॉट आप सुनना चाहते हो तब दूसरे के साइड को समझने की कोशिश करना भी मुश्किल हो जाता है। और इस तरह के क्रिएटर्स और उनके स्क्वाड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए ना कुछ 5 सिम्टम्स मैंने देखे जो मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज है, इन्हें लगता है कि एक वॉर लड़ रहे हैं और उसमें ये अच्छाई के साइड से हैं। इनका मानना ये है कि वो सच को सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं, गलत को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। नॉर्मल लोग अगर आप देखें दुनिया को बड़े मॉडरेट सेटिंग में खेलते हैं, लेकिन इनकी दुनिया एकदम हार्ड मोड वाले गेम की तरह चल रही है। जब आपको लगता है कि आप एक लड़ाई लड़ रहे हो और उसमें आप ही सही वाले साइड से हो, तो आप अपनी सारी हरकतों को ना जस्टिफाई करने लग जाते हो। और इसके साथ ही जिन्हें आप अपनी साइड का मानते हो उनके लिए आपकी आंखों में एक पट्टी बन जाती। आपको ये लगने लगता है कि किसी ने आपके साइड की गलती पॉइंट आउट कर दी तो आप भी सबसे पहले उसके साइड की गलती पॉइंट आउट करने लग जाओ ताकि बात बराबर हो जाए। किसी स्टेट में जैसे अगर वायलेंस हो जाती है, पुलिस फेलियर हो जाता है, करप्शन होता है, कोई पॉलिसी गलत इंप्लीमेंट हो जाती है, तो ये लोग उसे क्रिटिसाइज करेंगे या डिफेंड करेंगे। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वहां पे सरकार किसकी है। अगर सरकार अपने फेवर की है तो क्रिटिसिज्म नहीं होगी। सबसे पहले ये देखा जाएगा कि ऐसे दूसरे स्टेट जहां पर दूसरी सरकार हो वहां की ऐसी कोई न्यूज है क्या, और अगर वो न्यूज मिल गई तो वो शेयर करके बस व्हाट अबाउटिज्म चालू हो जाता है, और ऐसा करके ये फूलिश से फूलिश एक्शन को भी डिफेंड करने में लग जाता। सबसे फनी बात यह है कि ये खुद को ऐसा करते हुए बड़ा इंटेलेक्चुअल और फैक्ट बेस्ड बताते हैं। अब ये जो फैक्ट बेस्ड वाली बात है उससे ही अपना सेकेंड पॉइंट निकल कर आता है, जो कि है कंफर्मेशन बायस से रिलेटेड। देखो, एक स्टैटिस्टिक्स और डेटा के बारे में बड़ा फेमस कोट है, लाइज डैम लाइज एंड स्टैटिस्टिक्स। इसका सिंपल मतलब है कि स्टैटिस्टिक्स या डेटा कैसा भी हो, आप उसे अपने लिए यूज कर सकते हो अपने बात को प्रूव करने के लिए। मतलब आप एक बार डिसाइड कर लो कि मुझे ये बात प्रूव करनी है, तो फिर आप उसके पक्ष में रिलेटेड सारा डेटा खोज के उसे फैक्ट बेस्ड तरीके से प्रूव कर सकते हो। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, आप ट्राई करके देखना। गूगल में जाओ, किसी भी इंडियन स्टेट का नाम लिखो, उसके आगे लिख दो क्राइम, और फिर न्यूज सेक्शन में चले जाना। आपको टॉप पे 10-15 न्यूज मिल जाएंगी भयंकर भयंकर क्राइम्स की उस स्टेट के अंदर। बस अगर आप वही सारी न्यूज सेलेक्ट करके दिखा दो तो आप ये प्रूव कर सकते हो कि भैया इस स्टेट में तो बड़ी वायलेंस होती है, यहाँ पर तो लोग डर के रहते होंगे, यहाँ पर तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, यहाँ रहना बिल्कुल बेकार है। और सिमिलरली अब आप उसी स्टेट के नाम के आगे क्राइम की जगह इन्वेस्टमेंट लिख दो, तो आपको दिखेगा कि अरे इस स्टेटमेंट में तो बड़ा इन्वेस्टमेंट आ रहा है, बड़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज आ रही है। आपको इससे जुड़े हुए इंडेक्सेस और रिपोर्ट्स भी मिल जाएंगी कि ये स्टेट कितना ज्यादा अच्छा कर रहा है। आप वो दिखा के बोल सकते हो कि देखो ये स्टेट कितना प्रोग्रेस कर रहा है, सब लोग इस स्टेट में कितने ज्यादा खुश होंगे। ये स्क्वाड वाले लोग भी अपने आप को फैक्ट बेस्ड बोलते हैं, लेकिन जो इनके मेजॉरिटी फैक्ट्स हैं वो कुछ इसी तरह से निकलते हैं। इस चीज को बोलते हैं कंफर्मेशन बायस या फिर सेलेक्टिव फैक्ट फाइंडिंग। ऐसा नहीं है कि इन्हें दूसरे साइड के फैक्ट पता नहीं होते, पता रहते हैं, लेकिन ये जानबूझकर वो फैक्ट सुनना ही नहीं चाहते
जो इनके एग्जिस्टिंग बिलीफ के अगेंस्ट जाते हो, और इससे क्रिएट होता है हमारा थर्ड सिम्टम। ये है इको चैम्बर इफेक्ट। मतलब उनके कंटेंट का पूरा टारगेट यही होता है कि उनके जैसे जो सोचने वाले फॉलोअर्स हैं वो उनको अपने साथ कैसे बांध के रख सकें। बार बार उनके एग्जिस्टिंग बिलीफ से जुड़े हुए फैक्ट दिखा दिखा के उनका विजन एकदम मायोपिक कर देते हैं, और ऐसा करने से इनका जो अपने एग्जिस्टिंग बिलीफ पर कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता जाता है, क्योंकि बार बार बस वो वही ओपिनियन सुन रहे हैं जो उनके बिलीफ से एग्जैक्टली मैच करता है। इस इको चैम्बर इफेक्ट की वजह से इनके सारे फॉलोअर किसी दूसरे पर्सपेक्टिव को समझना तो दूर, सुनने के लिए राजी नहीं होते हैं, जिससे जो हेल्दी डिस्कशन और कंस्ट्रक्टिव डिबेट है वो हो ही नहीं सकते। एक्चुअली हम ह्यूमंस ना बाय नेचर इको चैम्बर से बाहर आना नहीं चाहते, हमें कंफर्ट फील होता है एक ऐसी सिचुएशन में जहां पर हमारे बिलीफ को कोई बार बार जस्टिफाई करे, और इसी का फायदा उठाते हुए ये सारे के सारे लोग एकदम एक तरह की बात करते हैं। ये किसी भी इको चैम्बर के अंदर जितने अकाउंट्स हैं ना उन्हें आप एक नेटवर्क की तरह ऑपरेट करता हुआ देख सकते हो। मतलब अगर कोई एक न्यूज आई है उस पर एक अकाउंट का रिएक्शन आपने देख लिया तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि बाकी उसके जैसे जो अकाउंट्स हैं वो एग्जैक्टली क्या लिखने वाले हैं इस न्यूज के ऊपर। और इस इको चैम्बर की एक बड़ी खास बात ये भी होती है कि एक इको चैम्बर का रिएक्शन दूसरे इको चैम्बर के रिएक्शन से एकदम 180 डिग्री डिफरेंट होता है। ऑलमोस्ट ऐसी फील आती है कि इन दोनों ने सेम न्यूज नहीं देखी, बिल्कुल ऑपोजिट न्यूज देखकर उस पर रिएक्शन दे रहे हैं। अगर ये दोनों इको चैम्बर एक दूसरे से सिर्फ डिसएग्री करते तो प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम ये है कि वो एक दूसरे को हेट करने लगते हैं, और इसी हेट से निकलता है हमारा नेक्स्ट सिम्टम, डीह्यूमनाइजेशन। ये लोग एक दूसरे को ना इंसान की तरह देखते ही नहीं है, बल्कि इनकी नजर में जो दूसरे साइड के लोग हैं वो एकदम विलेन है। भैया इनकी पूरी दुनिया ही ब्लैक एंड व्हाइट है, तो दुनिया में चाहे कुछ भी हो जाए ये उस चीज को ऐसे दिखाते हैं कि भाई ये सब दूसरे साइड के जो लोग हैं ये इनकी किसी ग्रैंड कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है। ये लोग दूसरे ग्रुप के बारे में सिर्फ स्टीरियोटाइप्स में ही आपको बात करते दिखेंगे, उन्हें इंसान जैसे तो ट्रीट ही नहीं करते बल्कि कहते हैं कोई डेविल है, ये ज़ॉम्बी है, और ये ऐसा दिखाएंगे कि इन सारे लोगों की इंटेंशन हमेशा इविल इंटेंशन ही है। ये लोग पूरी कोशिश करते हैं कि इनके फॉलोअर्स के मन में दूसरे साइड के लिए कोई सिंपैथी तक डेवलप ना हो जाए। इसी वजह से आप अक्सर सोशल मीडिया या ट्विटर पर लोगों को किसी की डेथ तक को सेलिब्रेट करते हुए देख सकते हो। कोविड के दौरान ऐसा हमने देखा था, कई लोग ये कह रहे थे कि अगर आप किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को वोट करते हो ना और अगर आपको हॉस्पिटल में बेड नहीं मिला तो आपके साथ बिल्कुल ठीक हुआ। आप सोच सकते हो कि किस लेवल तक का डीह्यूमनाइजेशन यहां पर हो चुका है। अगर आप यूएस जैसी कंट्रीज में देखो तो भैया ये लिमिट क्रॉस कर चुका है। पॉलिटिकल ओपिनियंस को लेकर एक दूसरे की लोग गर्दन में चाकू लेके खड़े रहते हैं, और भारत में भी इंक्रीजिंगली ये चीज बढ़ती ही जा रही है। और इसी डीह्यूमनाइजेशन को प्रमोट करने के लिए जो स्क्वाड्स हैं वो अपना नेक्स्ट सिम्टम शो कर देते हैं, वो है प्रमोटिंग डिसरिस्पेक्ट। ज्यादातर ऐसे क्रिएटर्स अपने इको चैम्बर को ही केटर करते हैं, और ऐसा करने के लिए ना ये अपने फॉलोअर्स में सिर्फ उन लोगों को स्पेशली प्रमोट करते हैं जो दूसरे साइड के बारे में बुरा लिखे, उन्हें ट्रोल करे, उनकी बेइज्जती करे। ये लोग कोई कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन देखना नहीं चाहते हैं, ये दूसरों को भले ही डिक्टेटर से कंपेयर करें लेकिन इनके खुद के एक्शन अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई अगर कोई इन पर सवाल उठा दे तो इनका अगला स्टेप पता है क्या होता है, कमेंट डिलीट कर दो, इस बंदे को तुरंत ब्लॉक कर दो। ये अपनी कम्युनिटी के अंदर कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन नहीं बल्कि शीप मेंटेलिटी को प्रमोट करना चाहते हैं, और इस बात को ये बड़े स्मार्टली छिपाते हैं। कहते हैं कि नहीं नहीं हम तो उन्हें हटा रहे हैं जो लोग कुछ बुरा भला लिखते हैं, हम तो अपनी क्लीन कम्युनिटी रखना चाहते हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल सच नहीं है, क्योंकि इनकी खुद की कम्युनिटी में आप देखोगे दूसरे साइड के लिए जहर उगलते बहुत सारे लोग एग्जिस्ट करेंगे, और ऐसे वीडियोस पोस्ट कमेंट्स को ना सिर्फ ये लोग लाइक करते हैं बल्कि आगे शेयर करके प्रमोट तक करते हैं। तो ये कैसे मान लिया जाए कि अपनी कम्युनिटी को क्लीन रख रहे हैं? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अब आप ये सोच सकते हो कि भैया ये तो चलता ही रहता है, सोशल मीडिया ये तो कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस सोशल मीडिया स्क्वाड की प्रॉब्लम का काफी सीरियस असर होता है। इसका सबसे बड़ा नुकसान होता है ऑनलाइन कम्युनिटी और सोसाइटी की यूनिटी के ऊपर। जब हम अपनी अपनी कंफर्मेशन बायसेस में अटके रहते हैं तो दूसरे पर्सपेक्टिव को इग्नोर करते हैं, तो यूनिटी और हार्मनी की जो बड़ी बड़ी बातें हैं इनका एग्जिस्टेंस कहां रहेगा? और फिर इससे मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज का भी खतरा होता है। जब आप एक ही तरह का कॉन्टेंट कंज्यूम कर रहे हो, सिलेक्टिव फैक्ट फाइंडिंग कर रहे हो, तो ये बहुत आसान होता है कि आप किसी फेक न्यूज को सच मानकर आगे शेयर कर दो और उस पर पूरी तरह से बिलीव भी करने लगो। तो अब सवाल आता है कि हम इस चीज को टैकल कैसे कर सकते हैं? देखो, सबसे पहले तो हमें अपनी कंफर्मेशन बायसेस को थोड़ा सा साइड रखना पड़ेगा, हमें दूसरे पर्सपेक्टिव्स को समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, ये ट्राई करना पड़ेगा कि हम अनबायस्ड इंफॉर्मेशन को सर्च करें, हमें एम्पैथी और रेस्पेक्टफुल डायलॉग को भी बढ़ाना पड़ेगा। ऑनलाइन डिबेट में अक्सर हम देखते हैं पर्सनल अटैक होते हैं, हैरेसमेंट
होते हैं इन सबको साइड हटा के थोड़ा एक्सेप्टिंग बन के दूसरे की बात समझ ना सको एटलीस्ट सुनने की कोशिश तो करनी ही चाहिए। और अगला स्टेप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लेना चाहिए जो इस तरह की चीजों को रोक सके, लेकिन ये लोग ऐसा करेंगे नहीं क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का सबसे ज्यादा एंगेजमेंट नेगेटिव कॉन्टेंट और इको चैम्बर्स की वजह से ही आता है। तो क्या आपने भी सोशल मीडिया पर ऐसे कोई स्क्वाड या आर्मीज देखी है? मुझे कॉमेंट में उनके बारे में जरूर बताना। यही था हमारा इस टॉपिक पर पूरा वीडियो। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।